फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ ये डिलीशियस केक, जो देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी अच्छा लगेगा। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो मैंने बनाई है, जो आपने लाइव टॉक में मुझसे कहा था, मुझसे डिमांड की थी, तो आज मैं उसी केक की रेसिपी को लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए ओरियो का पैकेट, एक बड़ा ओरियो का पैकेट ले लीजिए, बड़े वाले। और इसे हमें सारे बिस्किट के क्रीम को निकालना है कुछ इस तरह से। सारे बिस्किट के क्रीम को हम अलग कर देंगे। क्रीम को हम निकाल कर अलग रख लेते हैं। और इसके बाद हम बिस्किट को, हमें इसके पाउडर को तैयार करना है। इसे मिक्सर जार में डालकर इसे हमें थोड़ा सा रुक रुक कर एक बार 1 सेकंड के लिए चलाएंगे, इसके बाद 2 सेकंड के लिए, इसके बाद 3 सेकंड के लिए, और इसके बाद इसका एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो इसे हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। इससे ब्राउनी बहुत ही टेस्टी बनेगी और उसमें जो कलर आएगा वो इस बिस्किट से आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है डार्क चॉकलेट नहीं मिलता है, तो इसके लिए मैंने इस ओरियो बिस्किट से बनाया है। तो चलिए आज बनाते हैं ओरियो बिस्किट से, तो आसानी से ये बन जाएगा। तो पहले हम इसके पाउडर को तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाएंगे। केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसके जगह पर घी भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर डालेंगे। बटर जो है वो एकदम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होना चाहिए। और इसी के अंदर हम डाल देंगे शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आप चीनी को पीस कर बना सकते हैं घर पर ही, तो मैं यहाँ ले रही हूँ 4 चम्मच। और इसे भी हम तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा थोड़ा दूध भी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, थोड़ा टाइम लेते हुए इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। जिस तरह हम किसी चीज़ का पेस्ट तैयार करते हैं वैसे ही इसे पेस्ट के जैसे तैयार करना है। ये देखिए, ये अभी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये जो हमने ओरियो बिस्किट को पाउडर तैयार किया है। इस पाउडर को थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे, आगे काम आएगी। तो इसे हम लगभग 4 चम्मच लेंगे और इसे भी हमें मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ज़रूरत हो तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। और दूध भी आपको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा लेना है। ये देखिए, अगर आपके पास ओरियो बिस्किट नहीं है, डार्क चॉकलेट है, तो आप उसे भी अच्छे से पाउडर बनाकर उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे। और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि बैटर अच्छे से बन जाए। अब हम इसमें डालेंगे, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें इसमें पहले ही डालना है। ये देखिए, ये लग
लगभग हम 2 छोटा चम्मच, ये आप देख रहे हैं ये छोटी चम्मच है आइसक्रीम वाली, आइसक्रीम के साथ मिल जाती है, ऐसी छोटी चम्मच से 2 चम्मच डालना है। और इसके बाद इसी चम्मच से हम डालेंगे 1 चम्मच मीठा सोडा, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये इसमें थोड़ा सा तीखापन आ जाता है, स्वाद खराब हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मैदा जो हमने पहले से छान कर रखे हैं, 1 कप मैदा, और इसे हमें मिक्स करना है थोड़ा सा दूध की सहायता से, दूध डालते हुए हमें इसे मिक्स करना है। अभी ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन थोड़ा सा ये इसका बैटर, केक के बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा हम इसमें दूध और ऐड कर देंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बैटर अच्छे से तैयार होगा तो केक भी अच्छी बनेगी, इसका ध्यान हमें रखना है बैटर बनाने के समय। अगर हमारी बैटर अच्छे से तैयार होता है तभी हमारी केक अच्छी बनेगी, तो इस बात का ध्यान रखें कि बैटर हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब लगभग तैयार है, इसमें अभी हमें कुछ नहीं डालना है। अब हम केक का बैटर बिल्कुल रेडी है, इसे 2-4 बार और हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे ताकि बैटर स्मूथ बन जाए, और बस रेडी है बैटर। अब हम केक टिन में इसे डालेंगे, थोड़ा सा बटर या घी से इसको ग्रीसिंग कर देंगे जिसमें हमें बनाना है, अच्छे तरीके से हमें इसे ग्रीस कर देना है। और बस रेडी है, ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल अच्छे से ग्रीस हो जाए। आपके पास जो भी कुछ हो, बटर हो या घी हो, जो भी हो आप उसे कर सकते हैं। और अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे, बैटर डालने के बाद हमें इसे इस तरह से हल्का सा टैप कर देना है ताकि ये अच्छे से फैल जाए। हमें हाथों की सहायता नहीं लेनी है, इसे हाथ बिल्कुल यूज नहीं करना है। और बस अब हम इसे डालते हैं, लगभग 20 से 25 मिनट इसे पकने में लगता है, तो चलिए पकाते हैं इसे। गर्म करने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे लगभग 5 मिनट तक। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके अंदर मैंने एक स्टैंड डाला है, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप छोटी सी कोई कटोरी भी रख सकते हैं। और जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें केक डालेंगे, तो इसके लिए तब तक हम केक के बैटर को टिन में डाल के रेडी करते हैं जब तक ये गर्म होता है। होने के बाद ये रेडी है कुकर, और अब हम इसमें केक टिन को डाल देंगे। इसे डालने के बाद हमें कुकर को ऊपर से बंद करना है, पर ध्यान रखें कि इसमें सीटी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, बिना सीटी के ही हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर। और जैसे ही जब केक हम डाल देते हैं तो इसके बाद हमें गैस को बिल्कुल लो कर देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, और इसे पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, तो आराम से आप इसे पकने दीजिए, और बीच में बिल्कुल नहीं खोलना है। तो चलिए अभी हम इसे पकने देते हैं। हम बचे हुए ओरियो बिस्किट के पाउडर में थोड़ा सा मिलाएंगे शुगर पाउडर,
ये लगभग हम 3 चम्मच मिलाएंगे और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध के साथ अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर या घी भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ बटर लेती हूँ। थोड़ा सा बटर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और बटर को भी अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में, जिससे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये हो गया गाढ़ा। होने के बाद हम इसमें ये हो गया है रेडी है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए गैस पे लगभग 1 मिनट तक पकाना है, तो इसे हम पका के इसे तैयार करेंगे, बंद करेंगे और इसमें जो हमने बैटर तैयार किए हैं इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जिससे कि जिसमें जो बटर है जो आप देख पा रहे हैं बटर अच्छे से पिघला नहीं है। इसके लिए हमें इसे 1 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट में ही अच्छे से रेडी हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसे हम केक के ऊपर लगाएंगे। इसके जगह पे आप डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं अगर आप बिस्कुट यूज नहीं करना चाहते। मैंने यहाँ ओरियो बिस्किट को ही यूज किया है, तो मैं यहाँ ओरियो बिस्किट को ही यूज़ कर ले रही हूँ। अगर डार्क चॉकलेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए लगभग 1 मिनट भी नहीं हुआ, 30 सेकंड में ही ये तैयार हो गया है। और अब हमें इसे गैस को बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, 1 मिनट हो गए हैं। ये देखिए केक बनके रेडी है। अब हम इसे चेक करना है, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ चाकू निकल कर आई है, इसका मतलब ये है कि केक अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। केक ठंडा हो गया है, अब हम इसको इसमें थाली में निकाल देते हैं। तो थाली में निकालने के लिए सबसे पहले हमें थाली ऊपर ढकना पड़ेगा। ध्यान रहे केक बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, अगर ये बिल्कुल भी थोड़ा सा भी गर्म रहेगा तो ये निकलेगा नहीं। इसके लिए हमें अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको इस तरह हल्का हल्का टैप करते हुए चारों साइड से ऐसे करके हम इसे निकाल देंगे। और ये देखिए केक बिल्कुल अच्छे से निकल गया है। अब हम इसमें जो भी हमारा मर्जी हो, हमारे अपनी मर्जी से गार्निशिंग कर सकते हैं, वाइट क्रीम या फिर चॉकलेट क्रीम या जो चॉकलेट सिरप हमने बनाया है उसे ही डालकर हम इसे गार्निशिंग कर देंगे। और इसके ऊपर जो भी नाम लिखना हो या कुछ भी करना हो, जैसे भी सजाना हो वो हम सजा सकते हैं। आप देख सकते हैं केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। मैं इसे उठा के दिखा देती हूँ। ये देखिए केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, दिख रहा है ये बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। बस अब हमें इसे सजाना है, तो पहले हम सिरप चॉकलेट सिरप से सजा के डेकोरेट कर देते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसा भी हमें पसंद है। और इसके ऊपर चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं या फिर हम इसके ऊपर
चॉकलेट डाल सकते हैं, चॉकलेट चौको चिप्स भी डाल सकते हैं, तो अपनी मर्जी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह से सॉफ्ट केक आप घर की चीज़ों से बना सकते हैं, तो बनाइए और खाइए। मैं इसे गार्निशिंग कर देती हूँ, सबसे सजा दिया है। और अब मैं इसको चॉकलेट से छोटा छोटा चॉकलेट को क्रश करके आप इसे सजा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, दोनों ही तरीके से ये अच्छा लगता है। और ये देखिए, हमारा केक चॉकलेट केक बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही कुछ और मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जुड़े रहिए NS होम टिप्स के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।